पुलिस से बचने के लिए युवक कूदा नदी में, हुई मौत। रायबरेली अपने कारनामे को लेकर आए दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली लालगंज पुलिस का एक अजब कारनामा देखने को मिला, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहटा कला गांव के जंगल में हो रहे जुएं की फड़ पर लालगंज बहटा कला हल्का की पुलिस ने छापा मारा। पुलिसिया कार्यवाही से भगदड़ मच गई। वहीं इस भगदड़ के कारण एक युवक पेड़ पर चढ़ गया तो पुलिस के द्वारा कहा गया कि नीचे आ जाओ, लेकिन युवक नीचे ना उतर कर नदी में कूद गया, जिससे युवक डूबने लगा तो पुलिस ने डूबते युवक की जान ना बचाकर वहां से निकलना ज्यादा बेहतर समझा, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। ऐसा परिजनों का आरोप है, जिसको लेकर परिजनों ने रोड जाम करके प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बहटा कला गांव के पास जंगल का है, जहां आए दिन जुआड़ियों का डेरा रहता है और लाखों के बारे न्यारे किए जाते हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा लालगंज पुलिस को लगी तो लालगंज पुलिस अपनी टीम के साथ जुआ की फड़ पर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने के लिए गई, लेकिन जुआड़ियों में पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई, जिसके कारण एक युवक अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और नदी में कूद गया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। जिस बात से नाराज परिजनों ने युवक का शव बहटा चौराहे पर रखकर रोड जाम करके प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहीं पीड़ित परिवार पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रदर्शन करता रहा। रायबरेली से सीनियर रिपोर्टर देवरिया कविता यादव की रिपोर्ट। हो गई है, आज रिकॉर्ड का दिन है और शाम की घटना है। हमारे खानदान का एक नवयुवक लगभग 35 वर्ष की, अमरेश सिंह पुत्र स्वर्गीय सूर्यभगत सिंह, ये मजदूर वगैरह लाने के लिए चकवापुर, यहाँ का पुरवा है, बेटा कला का एक पुरवा चकवापुर है, वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ पर अचानक बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मी, थाना लालगंज के, थाना कोतवाली लालगंज के पुलिसकर्मी, जिसमें दरोगा थे कई और सिपाही थे, उन लोगों ने भय और आतंक का, अफरा तफरी का माहौल बना दिया और उस अफरा तफरी के माहौल को देख करके लोगों को दौड़ाना शुरू किया। उस दौड़ाने में वो अमरेश जो निर्दोष था भाग करके एक पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ने के बाद इन लोगों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा धमकी दी गई कि यहाँ पर जो भी मिले और ये पेड़ पर चढ़ गया है ये इसको जो है जान से मार देंगे। तो वहाँ पर वो पेड़ से कूद गया, नीचे नदी थी और नदी में जब डूबने लगा तो उसने अपने बचाने की गुहार जब लगाई, आसपास के लोगों ने दौड़ने का बचाने का प्रयास किया तो उन लोगों ने, पुलिस कर्मियों ने घेरा डालकर कहा कि इसको साले को मर जाने दो। इससे उसकी, अमरेश की मृत्यु हो गई, वो नवयुवक है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेसहारा हो गया। इसके पहले सन 2020 में इसी गांव में, इसी थाना कोतवाली के व्यक्ति, बैजू के पुरवा के निवासी व्यक्ति की एक हत्या कर चुके थे और जिसमें बाद में FIR करने के बाद FIR की गई थी, जिसका कानूनी प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। हम लोगों का, मैं इसमें वादी मुकदमा हूं, चूँकि मृतक मेरे खानदान का है, लास्ट यहीं इसी चौराहे पर, बेटा चौराहे पर पड़ी है, पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, मैं नाम किसी के नहीं जानता इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता, पुलिसकर्मी और दरोगा लोग मौजूद हैं, उप निरीक्षक वगैरह, ये बात हो रही है इसलिए कि हमारी FIR लिख ली जाए। हमने इस मामले को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में फैक्स कर दिया है और संबंधित जगहों पर, ताकि ये तहरीर ही गुम ना हो जाए। यहाँ पर तहसीलदार साहब मजिस्ट्रेट में प्रथम सभी बैठे हुए हैं। हम लोगों का केवल ये निवेदन है कि FIR लिख ली जाए, पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके लाश हमको दे दी जाए। जी।